संत कबीर नगर जनपद दक्षिणांचल में स्थित प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान एस आर अकेडमी नाथनगर में चल रही दो दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का सफल समापन हुआ। अपने जज में संघर्ष और बेहतर प्रदर्शन की बदौलत रेड हाउस की टीम ने ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेक ऑफ वॉर आदि प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि रहे पूर्व सदर विधायक दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, एसआर इंटरनेशनल एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश चतुर्वेदी और राजन इंटरनेशनल एकेडमी बस्ती की मैनेजिंग डायरेक्टर शिखा चतुर्वेदी ने संयुक्त रूप से विजेता प्रतिभागियों को ट्रॉफी, मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अपने संबोधन में पूर्व विधायक जय चौबे ने कहा कि ग्रामीण अंचल में स्थित इस संस्थान के नौनिहालों में प्रतिभा की कमी नहीं है। यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं ने जिस तन्मयता से इन नौनिहालों के टैलेंट को निखारने का प्रयास किया है वह प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि संस्थान की छात्र छात्राएं शिक्षा के साथ ही खेल की सभी विधाओं में पारंगत दिखे। जय चौबे ने छात्र छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि शिक्षा और खेल दोनों में वे अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग करते हुए सफलता की बुलंदी पर पहुंचने की इसी तरह प्रयास करते रहें। एसआर के एमडी राकेश चतुर्वेदी ने कहा कि संस्थान के टीचर्स लगातार बच्चों के स्वर्णीय विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। उन्होंने अभिभावकों से अनुरोध किया कि अपने पालियों के कैरियर को बुलंदी की ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए टीचर्स के प्रयासों को आगे बढ़ाने में अपना भी योगदान दें। उन्होंने आश्वस्त किया कि संस्थान के नौनिहालों को सफलता की बुलंदी पर पहुंचाने में संस्थानों की किसी भी तरह की कमी नहीं आने देंगे। राजन इंटरनेशनल एकेडमी के एमडी शिखा चतुर्वेदी ने कहा कि छात्रों के साथ ही छात्रों ने भी जिस तरह उत्साह के साथ इस प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया वह प्रशंसनीय है। उन्होंने दो दिनों तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ को सफल बनाने के लिए सभी प्रतिभागियों, टीचर्स और अन्य छात्र छात्राओं को धन्यवाद दिया। सहायक प्रबंधक मनोज कुमार पांडे और प्रधानाचार्य दुर्गेश गोस्वामी ने स्कूल परिवार और प्रबंधक तंत्र के प्रति आभार व्यक्त किया। सीनियर बालक वर्ग वॉलीबॉल और टेक ऑफ वॉर में रेड हाउस ने शानदार जीत हासिल की। वहीं सीनियर बालिका वर्ग कबड्डी में ब्लू हाउस और टेक ऑफ वॉर में रेड हाउस विजेता बना। चारों हाउस के इंचार्ज, सभी टीचर्स, अन्य स्टाफ और प्रतियोगिता के संचालक हरीश चंद्र यादव को भी चीफ गेस्ट जय चौबे ने अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान चतुर्वेदी परिवार के युवराज राजन चतुर्वेदी, रजत चतुर्वेदी, दिव्येश चतुर्वेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष बलिराम यादव, पीजी कॉलेज के प्राचार्य वेद प्रकाश पांडे, माया राम पाठक, महेंद्र पासवान, अजय मिश्र, प्रेम प्रकाश पांडे, कृष्णानंद मिश्र, अजय राय, एस एन शुक्ला, महेंद्र चौधरी, धर्मेंद्र चौरसिया सहित तमाम लोग मौजूद रहे। संस्थापक हम सभी के करोड़ों, जिन्होंने हम सभी को सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ाया। स्वर्गीय दादाजी के चरणों में नमन करता हूँ। विद्यार्थ के एमडी पीजी छोटे भाई, बच्चे के लिए शैक्षिक शिक्षा के साथ साथ आवश्यक होता है कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से विकसित हो। उसके लिए एकेडमी परिवार ने हर वर्ष विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास का प्रयास किया। उसी परिप्रेक्ष्य में कल और आज दो दिन से बच्चों ने लगातार विभिन्न खेलों के आयोजनों के माध्यम से प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। बच्चों से ज्यादा उत्साह बच्चियों में देखने को मिला। मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ। विद्यालय के बच्चों में अभूतपूर्व उत्साह इस कड़ाके की ठंडक में देखने को मिला। इस उत्साह वर्धन के लिए विद्यालय के प्रिंसिपल मनोज पांडे जी, सभी सम्मानित शिक्षकों को, सम्मानित शिक्षिकाओं को मैं अभूतपूर्व प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने बेहतर शिक्षक माहौल, शैक्षिक माहौल दिया और खेल का भी अच्छा वातावरण दिया। अभिभावकों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिस आशा और अपेक्षा में से आपने अपने बच्चों को इस एकेडमी में भेजा है, निश्चित रूप से मैं मनोज पांडे जी से, प्रिंसिपल से, सम्मानित शिक्षकों से, सम्मानित शिक्षिकाओं से अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा, आप उस विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयत्न करें, पूरा प्रयास करें। एकेडमी परिवार बच्चों के मार्गदर्शन के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए छोटे भाई वेद पांडे जी भी हैं,
ये भी निरंतर देख रेख करते रहते हैं। सभी लोग मिल करके बच्चों का अच्छा मार्गदर्शन करेंगे, सर्वांगीण विकास करने का पूरा प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से जो मैंने लक्ष्य दिया था अपने छोटे भाई राकेश जी को, बेहतर वातावरण के माध्यम से, बेहतर शिक्षक शिक्षिकाओं के माध्यम से, बेहतर शैक्षिक वातावरण के माध्यम से बच्चों का एक बड़ी संख्या इस अकादमी में देखने को मिली, जिसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। भविष्य में इससे भी बेहतर वातावरण इस अकेडमी में मिलेगा बच्चों को, ऐसा मैं अभिभावकों को विश्वास दिलाता हूं। आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बच्चों को हृदय से शुभकामनाएं देते हुए आगे बढ़े, समाज में अपना, परिवार का, देश का नाम रोशन करें। पत्रकार बंधुओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बड़ी संख्या में आप लोगों ने उपस्थित किया, हमेशा आपने सहयोग दिया है, आपका सहयोग उपस्थित है। सभी को धन्यवाद देते हुए, शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।